अब देखते हैं इसके आगे वाला, ठीक है। तो गामा टी बराबर होता है गामा डब्लू, ठीक है, जी प्लस एस ई अपान वन प्लस ई, ठीक। और हमने फार्मूला एक पढ़ा है, जी डब्लू बराबर एस इंटू ई, ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस ई है उसके जगह पे जी डब्लू रख देते हैं, और ये जो ई है इसके जगह पे जी डब्लू अपान एस रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गामा टी और ये हो गया गामा डब्लू, और जी प्लस एस ई के जगह पे जी डब्लू रख देते हैं और वन प्लस ई की जगह पे रख देते हैं जी डब्लू अपान एस, ठीक। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसमें से जी कामन ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले में से जी कामन ले लेते हैं और इस नीचे वाले को इधर ला लेते हैं, ठीक है, और ये गामा टी को इधर ला लेते हैं, ठीक। तो देखिए, वन प्लस जी डब्लू अपान एस बराबर गामा डब्लू अपान गामा टी, और ये हो गया जी कामन वन प्लस डब्लू, ठीक है, इतना चीज हो गया। अब क्या करते हैं कि ये वाला जो जी है इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वन अपान जी प्लस, और जी इसके बटे आएगा तो ये जी से जी क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो गया वाटर कंटेंट अपान डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जो वाटर कंटेंट है, ठीक है, बराबर गामा डब्लू और अपान में गामा टी और इंटू वन प्लस ये वाटर कंटेंट, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये जो वन अपान जी है इसको इस तरफ लाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट अपान डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सॉरी, हाँ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस बराबर ये हो गया गामा डब्लू अपान गामा टी, ठीक, और ये हो गया वन प्लस वाटर कंटेंट माइनस वन अपान जी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो एस है, ठीक है, तो एस बराबर हमको लिखना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर हमको फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो एस को हम लाते हैं इधर और ये जो पूरी चीज है इसको हम लाते हैं नीचे इधर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगर हम इसको लाएंगे, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर वाटर कंटेंट अपान गामा डब्लू अपान गामा टी और वन प्लस वाटर कंटेंट माइनस वन अपान जी, ठीक है। ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर ये एक फार्मूला है, ठीक है, और ये जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन वाटर कंटेंट और बल्क यूनिट वेट और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में ये संबंध है, ठीक है। तो ये एक और फार्मूला हो गया। अब इसके बाद से अगला वाला हम देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि जो टोटल वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर होता है, ठीक है। अगर कोई पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है तो उसमें ये एयर भी रहता है, वाटर भी रहता है और सॉइल के कण भी रहते हैं, ठीक है। तो जो टोटल आयतन होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के
योग के बराबर होता है। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये जितने भी है दोनों पक्ष हैं तो उनमें जो है टोटल आयतन से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जब टोटल आयतन से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि वन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपान टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड अपान वी। ठीक है, अच्छा तो हमने पीछे पढ़ा है कि परसेंटेज एयर वॉइड्स एन ए। ठीक है, तो एन ए बराबर हमने पढ़ा था एन ए बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर अपान टोटल वॉल्यूम, ये हो गया परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक, अच्छा और क्या पढ़ा था, और ये हम जानते होंगे, ये जानते हैं कि गामा डब्ल्यू बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर अपान वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और फिर जानते हैं कि जो गामा एस बराबर है ये है वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो ये है, और फिर क्या है कि वाटर कंटेंट है तो वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपान वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, ये जो एन ए है इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वन बराबर इसके बराबर क्या हो गया एन इंटू एन ए। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड्स प्लस, ठीक है, ये जो ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि वेट ऑफ वाटर अपान ये गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि वेट ऑफ वाटर अपान गामा डब्ल्यू इंटू वी। ठीक, अब जो वी एस है इसके बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू एस अपान गामा एस। ठीक है, तो ये हो गया डब्ल्यू एस अपान गामा एस इंटू वी। ठीक, अब क्या करते हैं कि ये जो एन ए है परसेंटेज एयर वॉइड्स जो है इसको इधर लाते हैं। ठीक है, तो वन माइनस एन ए बराबर ये जो वेट ऑफ वाटर है डब्ल्यू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा कि वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान ये हो गया गामा डब्ल्यू अपान भी प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान गामा एस, और ये क्या हो गया बी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखते हैं जो हमने जो ड्राई यूनिट वेट होता है गामा डी इसके बराबर क्या होता है कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपान टोटल वॉल्यूम। ठीक, जो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है तो ये क्या है कि डब्ल्यू एस अपान बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डब्ल्यू एस अपान वी है और यहाँ पे भी डब्ल्यू एस अपान वी है। ठीक है, तो दोनों जगह पे है। ठीक, तो क्या करते हैं कि ये जो डब्ल्यू एस अपान वी है इसको गामा डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो वन माइनस एन ए बराबर ये वाटर कंटेंट हो गया और ये हो गया गामा डी और अपान ये हो गया गामा डब्ल्यू प्लस ये हो गया गामा डी अपान ये हो गया गामा एस। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो गामा डी है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और गामा डी जो है दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे जो गामा एस है। ठीक है, तो अगर हम ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर लिखें टू
ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हम इसको लिखें जी, जी बराबर क्या है कि गामा एस अपान गामा डब्लू, ठीक। तो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर अगर हम लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गामा एस बराबर जी गामा डब्लू, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे रख देते हैं, तो वन माइनस एन ए बराबर ये हो जाएगा वाटर कंटेंट इंटू गामा डी, और ये हो जाएगा गामा डब्लू, और ये हो जाएगा गामा डी, और ये हो जाएगा जी गामा डब्लू, ठीक है। ये गामा एस बराबर यहाँ से जी गामा डब्लू। तो अब यहाँ पे कामन है, ठीक है, ये गामा डी अपन गामा डब्लू, गामा डी अपन गामा डब्लू कामन है, ठीक है। तो इसको कामन कर देते हैं, तो वन माइनस एन ए बराबर गामा डी अपन गामा डब्लू और ब्रैकेट में वाटर कंटेंट प्लस वन अपन जी, ठीक है। अच्छा, अब हमको लिखना है कि गामा डी बराबर, ठीक है, गामा डी बराबर हमको लिखना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि गामा गामा डी बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस एन ए, ठीक है, गामा डब्लू, वन माइनस एन ए गामा डब्ल्यू, ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा ये वाटर कंटेंट अपान वन प्लस जी, ठीक, ठीक है। गामा डी बराबर लिखें तो वन माइनस एन ए गामा डब्ल्यू और ये हो जाएगा बटे में, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि गामा डी बराबर वन माइनस एन ए गामा डब्लू, ठीक है। अगर इस चीज़ को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि जी जी डब्लू और जी डब्लू प्लस वन, जैसे कहाँ करें इसको करेंगे डब्लू और वन प्लस जी, तो क्या आ जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा जी डब्लू प्लस वन अपन जी। तो ये वाला जो जी है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वन माइनस एन ए गामा डब्लू इंटू जी और अपन में वन प्लस जी डब्लू, ठीक है। तो ये हो गया ड्राई यूनिट वेट बराबर एक और फार्मूला, ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले थे, ठीक, तो ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब पीछे एक चीज़ छूट गई, बताना भूल गया, ठीक है, उसको भी बता देते हैं। हमने पढ़ा था कि जो कहाँ लिखें, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गामा डी बराबर क्या था कि जी गामा डब्लू अपान वन प्लस ई था, ठीक है। तो ये जी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर एक ही सॉइल की बात करें, ठीक है, अगर सॉइल हमारी एक ही है, ठीक है, और उसकी जो डेंसनेस है वो अलग अलग है, ठीक है, डेंसनेस अलग अलग है, ठीक है। तो क्या है कि ये जो अगर एक ही प्रकार की सॉइल होगी तो ये जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है, और जो वाटर का यूनिट वेट है वो तो फिक्स है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो ये भी फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो गामा डी है ये प्रोपोर्शनल है वन अपान वन प्लस ई के, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर डेंसनेस ज्ञात करना है, ठीक, डेंसनेस ज्ञात करना है, अगर एक सॉइल कहीं पे है दूसरी जगह पे ले गए तो उसकी डेंसनेस क्या है, तो यहाँ पे ऐसे कई समीकरण बन सकते हैं, ठीक है, गामा डी वन बराबर वन अपान वन प्लस ई वन,
फिर एक हो जाएगा गामा डी टू बराबर वन अपान वन प्लस ई टू करके ऐसे एक ये समीकरण बन जाएगा, एक ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो अगर एक ही प्रकार की सॉइल है अगर उसको दो कंडीशन में देखना है, ठीक है, मान लीजिए कि सॉइल कहीं पे थी तो उसकी जो है ड्राई यूनिट वेट कुछ था, ठीक है, तो जहाँ पे सॉइल थी उसका ड्राई यूनिट वेट ये है और वॉइड रेशियो ये है, ठीक है, और इस सॉइल को कहीं पे दूसरी जगह पे ला के वहाँ पे कॉम्पैक्ट किया गया, कहीं पे फिलिंग करी गई, तो वहाँ पे हम लोगों को वॉइड रेशियो जो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डेंसनेस क्या होगी वो इससे पता चल जाएगी, ठीक है। अगर किसी सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले गए हैं तो उसकी डेंसनेस क्या होगी इस कंडीशन में इस फार्मूले से पता कर लेंगे, ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले थे, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है, और इसको जो ये फार्मूले हैं जितने भी सारे मैंने ब्रैकेट में लिखे थे ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इन सबको याद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी, वाटर कंटेंट निकालना है और भी सारे कहीं हैं, तो वो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।